हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं बस में हूँ और एक्चुअली मेरा प्लान था ये कि मैं रात को ट्रैवल करूँगी वायनाड से कोची के लिए, बट क्योंकि मुझे कुछ बस नहीं मिल पा रही थी और मुझे सेफ नहीं लग रहा था अकेले ट्रैवल करना, तो मैंने फिर वो वाला प्लान स्किप कर दिया और मैंने मॉर्निंग में आज बस ली वायनाड से। तो वायनाड से मैं कैलीकट आई, मैंने 86 रुपीज़ पे करे हैं और मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत अंधेरा था, तो अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है यहाँ से। तो अभी मुझे और 4 से 5 घंटे लगेंगे कोची पहुँचने में। ये वाली एसी बस है, मॉर्निंग में मैंने जो बस ली थी वो नॉन एसी थी और बस कुछ सिंगापुर बस जैसी ही है लेकिन कंडीशन इसकी बहुत बेकार है। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे बस ढूंढने में और लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश हर कोई नहीं बोलता, बट फिर भी मैनेज हो गया। मैंने टिकट ले ली है और अब मैंने पे करा है कैलीकट से कोची के लिए 360 रुपीज़ एसी बस का। और कुछ बातें हैं जो मुझे केरला की बहुत अच्छी लगी और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो द फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे गैस स्टेशन में फीमेल्स वर्कर भी होती हैं जो कि मैंने नॉर्थ में नहीं देखी और स्पेशली मैंने उत्तराखंड में तो नहीं देखी। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो कि नॉर्थ में ऐसे और कौन सा गैस स्टेशन है जहाँ पर फीमेल वर्कर्स हैं। सेकेंड, यहाँ पर बस कंडक्टर फीमेल थी, तो मेरी बस में भी जो कंडक्टर हैं वो फीमेल हैं, तो ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉर्थ में मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी हैं। तो बस में बैठे बैठे मुझे 4 घंटे तो हो गए हैं और अभी भी 1.5 घंटा बाकी है और बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे अब क्योंकि सुबह की निकली हुई हूँ मैं। अभी हमारी बस लंच के लिए किसी ढाबे पे रुकी है, मेरे पीछे ही है और बहुत लाउड म्यूजिक लगा रखा है इन्होंने। तो अभी किसी फूड कोर्ट में हमारी बस रुकी है और यहाँ से अभी और 1 घंटा लगेगा, तो लंच का टाइम हो गया था इससे शायद उन्होंने लंच से रोका है क्योंकि और बीच में कहीं पे भी नहीं रुका था। ये कुछ बनाना चिप्स लिए हैं, बनाना चिप्स बोल रहे थे वो उसको, तो थोड़ा डीप फ्राइड है बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है ट्राई करती हूँ, तो ये लिया है मैंने 10 रुपीज़ में, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो फाइनली मैं कोची पहुंच गई हूँ और ये है यहाँ का बस स्टॉप। तो होटल मैंने बुक नहीं करा है बट मैंने ऑनलाइन कुछ होटल सेलेक्ट करे हैं और मैं जाती हूँ ऑटो करके उस एरिया में, देखती हूँ अभी वहाँ पे क्या मिलता है ऑनलाइन। तो रेट उसके ठीक है, 3000 दिखा रहा है 3 नाइट्स का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो अब वहाँ जाके देखती हूँ कि वो मुझे और डिस्काउंट देते हैं कि सेम प्राइस पे ही देते हैं। तो जस्ट बस स्टॉप को क्रॉस करके आपको ये प्रीपेड ऑटो काउंटर दिख जाएगा और ये थे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं बाबा। और अब मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो मैंने रूम में चेक इन कर लिया फाइनली और वही जैसा मैंने आपको डील बताई थी इतनी मुझे उतने की पड़ी। 2300 में मुझे पूरा रूम मिल चुका है और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अलग से पे करा हुआ है 100 रुपीज़ पर डे का, तो 300 मैंने ब्रेकफास्ट के अलग से पे करे हैं। और अब क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है कोची घूमने के लिए, तो मैंने अपने ऑटो वालों को, जिससे मैंने प्रीपेड टैक्सी जो मैंने ली थी बस स्टैंड से, उनको ही मैंने बोला कि आप मुझे पूरा साइट सीन करवा दो फटाफट, तो वो मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, तो मुझे अब जल्दी जल्दी जाना है।
और रूम का टूर मैं आपको रात को देती हूँ। तो ये है आज का मेरा फर्स्ट स्टॉप और ये है डच म्यूज़ियम, और इसकी एंट्रेंस प्राइस है सिर्फ 5 रुपये, और ये खुला रहता है सुबह 9 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। तो मैं एक्चुअली पहुंची थी 4:40 पे, बट फिर भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, तो सोलो ट्रैवलर का मुझे ये एक बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। और म्यूज़ियम मैंने देख लिया, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा। और ये म्यूज़ियम एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोग विज़िट करिए, और आपको हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है, वैसे मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट जिनका इंटरेस्ट होता है उन्हें मज़ा आएगा ज़रूर। म्यूज़ियम से निकलते ही आप जब उसके सीधे सीधे जाते रहोगे तो आपको ये स्ट्रीट आएगी, और इस स्ट्रीट में काफ़ी सारी सुवीनियर्स शॉप मिल जाएंगी या फिर डेकोरेशन का काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा आपको। और जस्ट इस स्ट्रीट के मेरे लेफ्ट में यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो आप बोटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इस स्ट्रीट का नाम है जू टाउन, और इस स्ट्रीट में आर्ट एंड क्राफ्ट और एंटीक का सारा सामान मिलता है। और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए सुवीनियर्स भी ले लूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, और कल का दिन और परसों का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है। और पीछे एक कैफ़े था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चले गई अंदर, और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ डू फॉलो मी, माई हैंडल इज़ ट्रैवल पब्लिश। तो सुवीनियर्स भी मुझे मिल गए हैं, और मैंने बहुत अच्छा सुवीनियर चूज़ करा है, आई होप सबको मज़ा आएगा वो देख करके, थोड़ा डिफरेंट है। और अब मैं देखती हूँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब टाइम भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, शाम हो चुकी है और थोड़ा लेट हो गया था मुझे, बस की जर्नी एक्चुअली बहुत लंबी हो गई थी, 6 आवर्स लग गए थे मुझे कैलीकट से कोची पहुंचने में, बट ठीक है फाइनली अब पहुंच गई हूँ मैं। तो उसी लेन में आगे जाकर के है स्पाइस मार्केट, और बस 5 मिनट आपको वॉक करना है, और आप बस सीधे सीधे जाते रहो तो आपको स्पाइस मार्केट दिख जाएगी। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, और केरला में स्पाइसेस तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है स्पाइसेस की तो ये एक बेस्ट लोकेशन है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये है मेरे पीछे वेरी फेमस सेंटा क्रूज चर्च, और अंदर अभी प्रेयर चल रही है इसलिए विजिटर्स आर नॉट अलाउड, तो यहीं से देखना पड़ेगा मुझे। मैं एक्चुअली सच में बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, पर जर्नी भी बहुत लंबी करनी थी मुझको, और दिन भी कम है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, अब बाहर से देख करके काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कभी शिखर के साथ आऊँगी तो फिर अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ बीच की तरफ, और सनसेट मेरा मिस हो गया क्योंकि हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, बट सरप्राइजिंगली ये बीच बहुत क्लीन है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे, और अभी हाई टाइड्स है तो इसलिए वेव्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, और इस साइड भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो क्योंकि आज संडे है, सब लोग बीच साइड आए हैं अपना संडे इंजॉय करने के लिए। सो गाइज, मैं रूम में वापस आ गई हूँ, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रूम टूर बाद में दूंगी, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको रूम अपना। और आई विश कि मेरे पास एक दिन और एक्स्ट्रा होता कोची को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे सिटी बहुत ही अच्छी लगी। तो ये है मेरा छोटू सा रूम, इस बार इन्होंने मुझे ट्विन बेड दिया है, अगर सिंगल बेड होता तो ज़्यादा सही रहता। आई होप गाइज आपने आज का वीडियो इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी, माई हैंडल इज़ ट्रैवल पब्लिश। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।